रामटेक मधून निवडून आलेले आमदार आशिष जयस्वाल यांनी काँग्रेस पक्ष हा मेलेला पक्ष आहे, राज्याचे मुख्यमंत्री व शिवसेने पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षाला शामिल करून एक नवीन जीवनदान दिले असे वक्तव्य यांनी केले. याच विरोधात शहर काँग्रेस पार्टीचे वासिम खान यांच्या नेतृत्वात गीतांजली चौक येथे आंदोलन केले. काँग्रेस पक्ष हा भारताचा सर्वात जुना पक्ष व राष्ट्रीय पक्ष म्हणून या पक्षाला कोणीही जीवनदान देऊ शकत नाही. आमदार आशिष जयस्वाल हे भाजपचे दलाल असल्याचा आरोप वासिम खान यांनी केलाय. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदार आशिष जयस्वाल विधान विरोधात कडक कारवाई करावी अशी ही मागणी यावेळी करण्यात आली. आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, जो रामटेक के निर्दलीय आमदार श्री आशिष जयस्वाल जी ने जो कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया है कि कांग्रेस आईसीयू में थी, उसको उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना ने वापस लाई है, यानी कांग्रेस ख़त्म होने वाली थी, उसे उद्धव ठाकरे ने वापस लाया है, तो ये बयान का हम निषेध करते हैं. और हमारा उद्धव जी, श्री उद्धव ठाकरे जी से ये एक अपील है कि आप जल्द से जल्द आशिष जयसवाल पे कार्रवाई करिए, नहीं तो हम अपना आंदोलन इसी तरीका जारी रखेंगे. और आशिष जयसवाल को माफ़ी मांगना चाहिए. खुद आशिष जयसवाल को शिवसेना की उम्मीदवारी नहीं मिली है और वो शिवसेना को खुश करने के लिए, मंत्री पद के लालच के लिए, या उनको बीजेपी से सुपारी मिली है कि आघाड़ी सरकार को तोड़ो और इसे अनबन करवाओ, इसलिए वो ऐसे अपशब्द और ऐसे बयान हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द वापर रहे हैं कि यहाँ के नेता लोग भाग रहे हैं. तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है. कांग्रेस कोई एक राज्य की पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी है. कांग्रेस की सरकारें कई राष्ट्रों में है और कांग्रेस का इतिहास कई लंबा है. बीजेपी भी जब पैदा होने की थी जबकि पार्टी कांग्रेस है. तो ये अपने आशिष जयसवाल ने जो शब्द लिए हैं ये शब्द वापस करें और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेस के माध्यम से वो माफ़ी मांगे. यहाँ हज़ारों युवाओं, हज़ारों कांग्रेसियों का यह दिल दुखाने का उनने काम किया है, उनको सुपारी मिली है. हम यहाँ खड़ा निषेध करते हैं आशिष जयसवाल का कि आशिष जयसवाल होश में आ जाओ, नहीं तो आप बीजेपी में चले जाओ. जो आप दलाली कर रहे हैं बीजेपी की कि आघाड़ी सरकार आपके ये सब बयान से टूट जाएंगी, यह आघाड़ी सरकार को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इससे कोई आघाड़ी सरकार को फ़र्क पड़ने वाला नहीं. हमारे जो सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, ये बहुत माइंडेड है, ये बहुत दिमाग वाले हैं. ये ऐसे कोई भी आमदार आएगा और कोई भी कुछ भी बयान करेगा, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला. हमारी अपील है आशिष जयसवाल से, वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे. वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हम यह आंदोलन रामटेक लेकर जाएंगे और हम अगला कदम हमारा है सीएम को हम लेटर लिखेंगे कि इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें.